नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो कुछ एनालिसिस हम करने वाले हैं अगले हफ्ते के लिए, उससे पहले हम देखने वाले हैं कि पिछले 1 महीने में जो हमने एनालिसिस किया था उस हिसाब से दोनों इंडेक्स ने काम किया कि नहीं, वो भी देखेंगे। और उसके बाद अगले हफ्ते दोनों इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और हमें किस लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए इंट्राडे के लिए भी देखेंगे। और स्विंग में आपको अगर पोजीशन बने तो निफ्टी में कौन सा अच्छा सपोर्ट है और किस लेवल पे फ्रेश बाइंग हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ टेक्निकली कैसे काम करता है मार्केट, वो तो लर्निंग मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे पहले देख लेते हैं, आपने पिछले वीडियो देखे रहेंगे तो जरूर आपको याद रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको ये चैनल ड्रॉ करके दिया था दोस्तों, ये वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए। मैंने उस टाइम बोला था दोस्तों कि कोई भी इंडेक्स जो परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली वो टेस्ट करके ही बाद में ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे देखिए, ये पहली बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस यहाँ तक गया, लगभग वापस यहीं पे सपोर्ट लिया। जिस टाइम यहाँ से आया मार्केट रिटर्न, यहाँ पे हमें रिजेक्शन कैंडल मिली। हमें एक्सपेक्टेड था जो कि लेवल बताना चाहूँगा 18,650 के आसपास, लेकिन इसने लो मारा 18,850। देखिए दोस्तों, एग्जैक्ट बॉटम और एग्जैक्ट टॉप कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता। और यहाँ से जब मार्केट रिवर्स हुआ तो डेफिनेटली उस टाइम बोला था कि यहाँ इस बार ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है निफ्टी में, और इसने ब्रेकआउट भी दे दिया, कन्फर्मेशन भी दे दिया और यहाँ पे होल्ड भी कर रहा है। सो यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट टर्म के लिए जो एसएल बनता है दोस्तों, अगर आपने स्विंग में पोजीशन बनाई रहेगी तो आपका एसएल जो है 20,200, अगर इसके नीचे मार्केट आ जाता है शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ मैं, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको आपकी पोजीशंस में एग्जिट करना है। और अगर 18,800 की अगर मार्केट नीचे आता है लॉन्ग टर्म के लिए, आपको यहाँ से पोजीशंस एग्जिट करनी है मिड टर्म के लिए। सॉरी, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कैरी कर सकते हैं, मिड टर्म के लिए आपको यहाँ इस लेवल के नीचे रहना ही नहीं जो भी स्टॉक्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो किधर तक जाएगा पता नहीं, 15K तक भी जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपने कोरोना में देखा रहेगा, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट इतने लेवल से इतने लेवल तक जाएगा, लेकिन हुआ। और उसके बाद रिकवरी देखिए कितनी शार्प हुई थी। तो हम लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे और लेवल्स के हिसाब से ही बात करेंगे। तो मिड टर्म के लिए 18,800 ही लास्ट एसएल रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिए 20,200। जब तक 20,200 के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक हम स्विंग में बैठे रहेंगे। अच्छी जब भी इस लेवल पे मार्केट आएगा हम सिर्फ बाइंग का ही सोचेंगे स्विंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे मैं आपको 1 आवर डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहता हूँ दोस्तों। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहता हूँ। तो आपको कैसे काम करना है, पहली बात तो आपको एक काम करना है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली ट्रेड करना नहीं है। डेली ट्रेड करना मतलब ही ट्रेडर होता है या अच्छा प्रॉफिट होता ही नहीं। सेटअप और एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेटअप हमें परफेक्ट मिलना चाहिए और उस दिन हमें मिलना चाहिए जिस दिन हमें लग रहा है कि हाँ भाई, यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम आने वाला है। तो देखते हैं किस लेवल के हिसाब से हम काम कर सकते। पहली बात तो आपको एक काम करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है दोस्तों। आपके सामने ये पूरा एनालिसिस होगा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ करनी है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, इसके बाद आपको एक काम करना है, एक हॉरिजेंटल रे लेना है, हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे आपको एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो ये अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, 20,000 21,000। ओके, 21,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नाउ। ओके, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है दोस्तों। और एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको जो इंट्राडे में आपको हेल्प कर सकती है, ये भी आपको यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ओके, ये गया 1 आवर टाइम फ्रेम पे दोस्तों। यहाँ पे आप देखोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, मैंने एम पैटर्न के ऊपर एक वीडियो बना है, जाके जरूर देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, पिछले हफ्ते यहाँ पे एम पैटर्न बनाया था निफ्टी ने। ओके, ये एम पैटर्न बनाया था, एक सेकेंड। ओके, एम पैटर्न बनाने का, इसने ब्रेकआउट दिया, वहां से लगभग 300 पॉइंट निफ्टी नीचे आया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे होल्ड कर रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है
ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो भी देखेंगे, और हमें किस साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और किस जोन में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी वो देखते हैं। ओके, ये सब लेवल्स ड्रॉ कर लिए दोस्तों। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल है, अभी मैं क्या बोलूँगा आपको, ओके यहाँ पे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ओके देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने उस टाइम ये ट्रेड दिया था दोस्तों, जस्ट 1 टू 2 डेज बिफोर मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो भी बनाया है और आपके साथ वो स्ट्रैटेजी भी शेयर किया है। उसके बाद ये भी बोला था कि ये ट्रेंड लाइन एज वेल एज सपोर्ट ड्रॉ करके रखिए, जैसे ये ब्रेक होगा दोस्तों आपको पुट में एंट्री बनानी है। दोस्तों वहां से देखिए 400 पॉइंट्स का वन वे फॉल मिला था हमें, वन वे, तो हमें उसी हिसाब से काम करना है जो लेवल्स हमारी बताती है। ठीक है, तो ये अभी मैं फिलहाल इसको निकाल देता हूँ। ओके, अभी कैसे मंडे ट्यूसडे के लिए, कल तो छुट्टी है मंडे के दिन, तो वेन ट्यूसडे के दिन कैसे काम करना है मंगलवार के दिन वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर ओके 1 सेकेंड, यहाँ से जबरदस्त फॉल आया था तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस हो जाएगा इंट्राडे के लिए। ओके, और दूसरी बात, ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है, एक ये इंट्राडे के लिए ड्रॉ करना है आपको। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मंगलवार के दिन कैसे काम करना है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों पहली बात तो ये जो जोन है, इस जोन में आपको कुछ भी नहीं करना है, दिस इज नो ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेड। ओके, इस जोन में हमें ट्रेड लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ वेट करना है 20,400 के ऊपर मार्केट निकलना चाहिए, और पुट साइड में अगर बैठना है तो 20,000 21,220 के नीचे मार्केट जाना चाहिए। ओके, सिर्फ आपके सामने ये दो लेवल्स होना चाहिए। आपका सेटअप क्या बोलेगा, भाई मुझे 21,400 के ऊपर ही कॉल लेना है और 21,220 के नीचे ही पुट लेना है, इसके बीच में मुझे कुछ नहीं करना है। ओके, मुझे सिर्फ अच्छा ट्रेड ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे सिनारियो डिस्कस कर लेते हैं क्या हो सकता है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, वापिस यहाँ से एक छोटा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ओके, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए दोस्तों, हर एक चीज आपके सामने कर रहा हूं मैं। ओके, उसके बाद नीचे से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, हो गया, अभी ट्यूजडे के लिए देख लेते हैं कैसे काम कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ओके, और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर के तरफ जाता है और आपको दिख रहा है कि निफ्टी इस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है और ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया इसने, 21,400 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकलेगा दोस्तों, वी विल वेट फॉर कंफर्मेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंफर्मेशन लेना है, इस लेवल पे आने के बाद अगर होल्ड कर रहा है, ऊपर के साइड जा रहा है, अगर इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो रही है, उसका कंफर्मेशन भी हमें नेक्स्ट कैंडल में मिल रही है, इमिडिएटली एंट्री नहीं लेनी, मार्केट किधर भी नहीं जाने वाला, हमें थोड़ा पुल बैक का वेट करना है। वापिस 21,410 के पास हमें देखना है मार्केट मिलता है या नहीं, निफ्टी मिलता है कि नहीं। अगर 410 के पास आने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल दिख रही है तो हमारा एसएल छोटा हो रहा है दोस्तों, वहां से सिर्फ 20 पॉइंट्स का एसएल बनेगा, क्योंकि 21,390 हमारा एसएल रहेगा। टारगेट यहाँ से हमारा 21,550 रहेगा दोस्तों, 21,550, जो कि लगभग हमारा 150 पॉइंट हमारा निफ्टी में टारगेट रहेगा उसी दिन, अगर इस हिसाब से काम किया तो। सेटअप वापिस बोल रहा हूँ, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रहा है, ब्रेकआउट दिया 15-20 मिनट 30 मिनट्स अगर ऊपर सस्टेन कर रहा है, पुल बैक में अगर आपको ग्रीन कैंडल मिल रही है 21,410 के पास, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, आपको एंट्री लेनी है, टारगेट 21,550 तक रहेगा। ओके, फर्स्ट सिनारियो। सेकेंड सिनारियो दोस्तों, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है, ओके, और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है कि हाँ यहाँ पे गैप ओपन हो रहा है, कंफर्मेशन मिल रहा है दोस्तों, डेफिनेटली यहाँ पे वही सिनारियो रहेगा, पुल बैक में ही हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल जैसे ही बनेगी 21,410 के आसपास हमारा एसएल रहेगा 21,390, टारगेट वही रहेगा 21,500 और 550 तक। ओके, 500 और 550 तक, लगभग 130-140 पॉइंट्स हमारा यहाँ से टारगेट रहेगा। ओके दोस्तों, 21,540
इज वेरी 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 मेजर रेजिस्टेंस नाउ। इस लेवल के आसपास आते ही आपको किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक करना है, ओके। और यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड कर रहा है, निफ्टी होल्ड कर रहा है, और यहाँ पे कुछ एम पैटर्न बन रहा है या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, दिख रहा है कि यहाँ पे होल्ड करने के बाद कुछ अच्छा सपोर्ट बनाया, ऐसा यहाँ पे होल्ड करना सपोर्ट बनाया ऊपर गया, वापस वही सपोर्ट को काट रहा है इस लेवल से, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग का ट्रेड बनेगा दोस्तों। 60-70 पॉइंट्स का हमारा स्कैल्पिंग का ट्रेड बनेगा। इस लेवल तक आप बैठ सकते हो, 400 तक वापस या 450 तक। उस लेवल पे आने के बाद आपको एग्जिट करना है और सिस्टम क्लोज करना है, ओके। अपोजिट टू ट्रेंड लेना है, लेकिन कब? व्हेन वी विल गेट द प्रॉपर कंफर्मेशन, ओके। ये हो गया दोस्तों अपसाइड के लिए। दोस्तों डाउन साइड में हमें कब बैठना है? दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड आ रहा है, इस लेवल के पास आ रहा है और ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, हमें वेट करना है। क्या कर रहा है? यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना है और 21,230 के नीचे निफ्टी को जाने देना है, 230 के नीचे। यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है और उसका कन्फर्मेशन भी मिल जाता है, तो वी विल वेट फॉर सम पुल बैक। वापिस ए लेवल पे अगर रेड कैंडल बन रही है, तो वहां से हमारा टारगेट दोस्तों 21,100 रहेगा, जो कि लगभग 200 पॉइंट्स, वहां से शार्प फॉल आ सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम दोनों साइड अच्छे टारगेट्स के लिए खेलेंगे, नीचे के साइड 200 पॉइंट्स, ऊपर के साइड 150 पॉइंट्स, लेकिन सिनारियो कैसा है उस हिसाब से। यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, कैंडल क्लोज हो रही है, कन्फर्मेशन मिल रहा है, उसके बाद पुल बैक में वापिस एक रेड कैंडल बन रही है, तो वही कैंडल में एंट्री लेनी है और उसके ऊपर 20 पॉइंट्स का एसएल लगा के आपको 100-200 पॉइंट्स के लिए बैठना है नीचे के साइड में, ओके। दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है, ओके, नीचे आता है और यहाँ पे कुछ होल्ड करके ऊपर के साइड बना रहा है ब्रेकआउट, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे कॉल में बैठना है। यहाँ पे अगर कुछ होल्ड करने के बाद ऊपर के साइड में आपको दिख रहा है कि निफ्टी निकल रहा है, तो पुल बैक में एंट्री लेंगे, टारगेट वापिस 500-550 तक रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है सबसे, अगर यहाँ पे होल्ड किया, ब्रेकआउट दिया ऊपर के साइड, हमने ट्रेड भी लिया, ओके, यहाँ से हमारा एसएल 20-30 पॉइंट से रहेगा, लेकिन यहाँ से वापिस निफ्टी नीचे आ रहा है, ओके, शार्प नीचे आ रहा है या धीरे धीरे नीचे आ रहा है और इस लेवल के अंदर आ रहा है और वापस इस लेवल को काट रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों हमें हमारा एसएल लेना है कॉल का और हमें हमारी पोजीशन रिवर्स करके टारगेट 21,100 तक बैठना है, ओके। दोस्तों अगर इन केस अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे और उसका कन्फर्मेशन भी मिलता है, तो डेफिनेटली पुल बैक में ही एंट्री बनाएंगे, टारगेट हमारा 21,100 तक रहेगा, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने निफ्टी के सब वीकली, डेली और इंट्राडे के लिए सिनारियो देख लिए, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। अगर आपको कुछ भी इसमें दोस्तों, अगर मैं वीडियो के बीच में वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर वहाँ पर आपके कमेंट दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाते समय वो बातें मैं ज़रूर इंक्लूड करने का ट्राई करूँगा। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है, ओके। पहले तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं बैंक निफ्टी का, ओके। दोस्तों यहाँ पे देखें, बैंक निफ्टी, जैसे निफ्टी का मैंने बोला था दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी मैंने एक चैनल आपको ड्रॉ करके दिया था, ओके। मैंने जब इधर मार्केट था दोस्तों, जब ए रेड कैंडल बनी थी, तब तकरीबन बैंक निफ्टी 45,000 के आसपास था, तो हमने उसी टाइम बोल दिया था कि बैंक निफ्टी 42,000 और 41,000 तक भी आ सकता है दोस्तों, ओके। दोस्तों लेवल्स टेक्निकल, ओके, प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल बात है दोस्तों, क्योंकि फंडामेंटल हर दिन हम देखते नहीं, चार्ट हमारे आंखों के सामने रहता है और चार्ट हमें क्या बता रहा है, देखिए ना, व्हाट अ ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन। यहाँ पे देखिए, टेस्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, व्हाट इज द परफेक्ट सपोर्ट टेकन बाय द बैंक निफ्टी 42,000 के आसपास और वहां से 5,000 पॉइंट ऊपर, तो ये ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन में हमेशा बोलता हूँ। और यहाँ पे क्या होने वाला है, 50,000 तक बैंक निफ्टी जाने वाला है, 50,000 तक, मैं बोल देता हूँ, आज ही बोल देता हूँ आपको,
50,000 तक बैंक निफ्टी जाएगा, इन केस अगर बैंक निफ्टी 46,300 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं देता तो डेली बेसिस पे 50,000 हमारा 50,000 टारगेट रहेगा, एसएल हमारा 46,300 के नीचे ही रहेगा। ओके सॉरी, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे हमारा जो मेजर सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों 46,400 का है। 46,400 इज नाउ वेरी मेजर सपोर्ट टू द बैंक निफ्टी। इफ इन केस बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है और डेली कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें बैंक निफ्टी में, अगर बैंक्स में हमने अगर स्विंग पोजीशन बनाई रहेंगी तो डेफिनेटली यहाँ से हम एग्जिट करेंगे दोस्तों। और हमारा टारगेट जब तक ये वापस 42,000 तक नहीं आता तब तक हम बैंक निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक्स में फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। ओके, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाता हूँ, 1 आवर। ओके, यहाँ पे भी वही सिनारियो दोस्तों, यहाँ पे देखिए जैसे निफ्टी ने बनाया था वैसे ही इसने भी एक एम पैटर्न बनाया था। एम पैटर्न बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, लगभग यहाँ से 46,000 से लेके 700 पॉइंट्स का यहाँ पे डाउन मूवमेंट दिया, सपोर्ट लिया, अच्छा सा ऊपर गया, लेकिन वही वापस लेवल के रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज बन के आ रहे हैं वो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको वापस बोलना चाहूँगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। इसने रिस्पेक्ट किया था फर्स्ट टाइम, यहाँ से कंफर्मेशन नहीं दिया था, ऊपर गया, लेकिन अभी वो वापस वो ट्रेंड लाइन के नीचे आ रहा है, तो देख लेते हैं क्या व्यू बन गया दोस्तों। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, ये डेली टाइम फ्रेम के लिए दोस्तों, ये 1 आवर टाइम फ्रेम के लिए, कंफ्यूज कर देगी आपको तो मैं थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ, लेकिन ड्रॉ करके रखिए दोस्तों। पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैं बोला था दोस्तों, ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा दोस्तों हमारे लिए बहुत अच्छा मोमेंटम रहेगा बैंक निफ्टी में, हम अच्छा पैसा बनाएंगे उसी दिन। भले हम 4 दिन ट्रेड नहीं करेंगे लेकिन 1 दिन ट्रेड करेंगे, वो 1 दिन में सारे 4 दिन का ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली बुक करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने कितना फॉल दिया है, यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। जिस दिन ये ब्रेक हुआ 650-700 पॉइंट यहाँ पे फॉल दिया बैंक निफ्टी ने, तो वही यही बोलता है दोस्तों, हर एक दिन ट्रेड नहीं करना, जिस दिन ट्रेडिंग में हमें अच्छा मोमेंटम दिख रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से हम प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। और हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों, ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, इसको अगर ब्रेक कर देता है गैप अप के बाद तो डेफिनेटली वहां से हमें 49,48,500 दिखना चाहिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी वापस इस रेंज के अंदर आ जाता है तो डेफिनेटली हमें शॉर्ट में बैठना है। ये मैंने अपने वीडियो में बोला था दोस्तों, जाके जरूर देखिए। और वहां से 1,000 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला, 1,000 पॉइंट। ओके, 1 दिन, 1 डे बिफोर लाइव ट्रेड दे रहा हूँ दोस्तों हर टाइम मैं आपको, सिर्फ आपको आपको पेशेंस के साथ काम करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे अभी ट्यूजडे के लिए देख लेते हैं क्या हो सकता है दोस्तों। मैंने 22 तारीख का वीडियो बनाया था, उस दिन भी बोला था दोस्तों, इस लेवल पे अगर रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न बन के नीचे आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट इसने ब्रेक किया था, रिटेस्ट किया, वहां से लगभग 300-400 पॉइंट हमें बैंक निफ्टी ने फ्राइडे के दिन दिया दोस्तों वापिस। तो अभी मंगलवार के दिन कैसे काम कर सकता है वो देख लेते हैं। ओके, अभी पहली बात तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको क्यों लेके जाना चाहता हूँ, यहाँ पे इसने एक हैमर बनाई थी उसका कंफर्मेशन भी दिया, लेकिन यहाँ पे बायर्स वीक हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे बायर्स वीक हो चुके हैं। अभी यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट है हमारा 47,400 के नीचे अगर मार्केट, ओके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वहां पे एनालिसिस करते हैं। ओके, बायर्स क्यों वीक हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों अगर किसी सपोर्ट से अच्छा मार्केट उठता है यहाँ से तो वहां पे इसने एक हायर हाई तो बनाया, लेकिन इसको वापस ये आया, इसने एक देखिए शोल्डर बनाया, हेल्ड बनाया, शोल्डर बनाया, इसने ब्रेकडाउन दे दिया, रिटेस्ट किया, वापस नीचे जा रहा है। मतलब ये मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए डाउन ट्रेड में जाना चाहता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारी पोजिशन कैसी बनती है दोस्तों। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन, यहाँ पे कुछ लेवल्स में आपको ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा दोस्तों, ए लेवल ऑलरेडी ड्रॉ करके रखिए, ड्रॉ करके रखो आप भी। यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, वो ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ कीजिए। ओके, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखिए, लाइव मार्केट में काम आएगी आपको।
और यहां से वापस एक आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करना है, ये सपोर्ट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, ये लोअर हाई, लोअर हाई तो बनाते हुए नीचे आ रहा है, लेकिन इसने अभी तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया है। ओके, वापिस। तो दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे के साइड आता है, और इसके नीचे 47,330 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट का, और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली वापिस पुल बैक में दोस्तों हम सिर्फ पुट में बैठेंगे। बैंक निफ्टी में हम सिर्फ पुट में बैठेंगे, कॉल में कब बैठना है वो भी बताऊंगा मैं। ऐसा अगर सिनारियो दिख रहा है तो हम सिर्फ पुट में बैठेंगे बैंक निफ्टी में। हमारा टारगेट वहां से वापिस 46,900 रहेगा, जो कि लगभग 400 पॉइंट्स हमें बैंक निफ्टी में इजीली मिल सकते हैं। ओके, इस दिन दोस्तों अगर ये सिनारियो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो मंगलवार के दिन अगर हमें ये दिख रहा है कि ऐसा सिनारियो बनने के लिए रेडी है बैंक निफ्टी में, तो वहां से मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे हिसाब से तो मैं नहीं चलूंगा। मैं मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटीज दिख रहे हैं वो बताता हूँ आपको। ओके, फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को काट देता है, तो डेफिनेटली पुल बैक में हमें एंट्री लेनी है, टारगेट 46,900। ओके, अभी हमें क्या करना है, इस लेवल पे डेफिनेटली 100% प्रॉफिट बुक कर लेना है, लालच में नहीं रहना। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आने के बाद होल्ड कर रहा है, या इमिडिएटली इसने एक कैंडल को क्लोज कर दिया रेड को, अगर दोस्तों अगर रेड कैंडल इसने इमिडिएटली होल्ड, बिना होल्ड किए रेड कैंडल क्लोज कर दी इस लेवल के नीचे, तो हमारा टारगेट वापस बढ़ जाएगा 46,500 और 300 तक, क्योंकि यहां से वापस शार्प सेलिंग आ सकती है, शार्प सेलिंग आ सकती है। लेकिन यहां से हमें 400 पॉइंट्स तो मिलने वाले, यहां से वापस 400 पॉइंट्स मिल सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे हमारा 100% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर यहां पे दिख रहा है कि यहां पे क्लोजिंग हो रही है, उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली पुल बैक में हम यहां पे एंट्री बनाएंगे, वहां से 300 पॉइंट्स हमारा टारगेट रहेगा वापस बैंक निफ्टी में। ओके, ये हो गया डाउन साइड में। दोस्तों अगर गैप डाउन ही ओपन हो रहा है इस लेवल के नीचे और उसका कंफर्मेशन भी मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे हम पुट में ही बैठेंगे, यही हमारा एसएल रहेगा, टारगेट 46,900 और 46,600 तक रहेगा। अभी कॉल में हमें कब बैठना है, कॉल में हमें कब बैठना है। ओके, अभी ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके दी, आपको वापस ए ड्रॉ करना है। ओके, सेफ ट्रेडर्स को मैं बोलना चाहूंगा, सेफ ट्रेडर्स, ओके, जो रिस्क ले सकते हैं उनका भी डिस्कस करेंगे और सेफ ट्रेडर्स का भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे ऊपर आता है और इस लेवल को काट देता है ट्रेंड लाइन को, लेकिन आपको वेट करना है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसके ऊपर हमें मार्केट में 15 मिनट का क्लोजिंग चाहिए, 15 मिनट का क्लोजिंग चाहिए, 47,750 के ऊपर हमें बैंक निफ्टी का 15 मिनट का क्लोजिंग मिल जाता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुल बैक में एंट्री लेंगे। उस दिन अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, तो उस दिन बैंक निफ्टी 48,200 की तरफ जाएगा, लगभग यहाँ से 500 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे रिस्की ट्रेडर्स एंट्री लेंगे और सेफ ट्रेडर्स को एंट्री लेना है ओनली अबोव 48,000। 48,000 के ऊपर 15 मिनट के लिए मार्केट को, निफ्टी बैंक निफ्टी को सस्टेन होने देना है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने देना है इस लेवल के ऊपर। जिस दिन इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाएगा दोस्तों, हमारा टारगेट बड़ा रहेगा। 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, तो डेफिनेटली हम पुल बैक में एंट्री लेंगे, वहां से आपको एक हायर हाई पैटर्न बनते हुए बैंक निफ्टी में देखेगा 48,500 तक और 48,700 तक। तो ये दो टारगेट्स हमारे उस दिन रहेंगे, जिस दिन बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर चला गया उस दिन 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, पुल बैक में हम एंट्री लेंगे, हमें हायर हाई पैटर्न बनते हुए बैंक निफ्टी में देखेगा, और उस दिन हम अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही, दोनों इंडेक्स का हमने अच्छे से एनालिसिस किया है, प्रेडिक्ट किया है, मतलब क्या हो सकता है स्विंग में, आपको किस पोजीशन पे लेवल्स पे बाय करना है, किस लेवल्स पे आपको एग्जिट करना है, सब हमने ये वीडियो में देखा है। दोस्तों वीडियो जरूर देखा करो, पूरा वीडियो देखा करो, क्योंकि वहां से आपको लर्निंग मिलती है कुछ ना कुछ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।